हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ड्यून मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि आज ही रिलीज़ हुआ है। और ये मूवी कैसा हुआ, इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी कैसा है, ये मैं अभी बात करूंगा आप लोगों के साथ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये ड्यून मूवी के बारे में अगर कहूँ तो इसका सिर्फ पार्ट वन ही अभी रिलीज़ हुआ है, क्योंकि फिल्म के शुरुआत में ही आप लोगों को देखने को मिलेगी ड्यून पार्ट वन। तो पार्ट टू इसके बाद ही आएंगे। पार्ट वन में बेसिकली हम लोगों को जो स्टोरी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सब जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स लोगों के यहाँ पे डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। स्टोरी भी है यहाँ पे, इन स्टोरी के अलावा यहाँ पे ज़्यादातर जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो पार्ट टू में भी रहने वाले हैं, उन सब कैरेक्टर्स के यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा फोकस किया है कि कैरेक्टर्स का मोटिव क्या है, कैरेक्टर्स लोग ऐसे क्यों है, इसके पीछे राज क्या है, कैरेक्टर्स लोगों के पास क्या था, और एक एक कैरेक्टर्स पे भी आप लोगों को थोड़ा पावर भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर इस पार्ट वन फिल्म पे फोकस किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पॉल जो है वो ड्यूक होने वाले हैं, अपने पिताजी के बाद वो ही उस एम्पायर के वो राज करने वाले हैं। तो पॉल को कुछ अजीबोगरीब सपने आते थे जहाँ पे वो एक लड़की को देखते थे। अब ये इन सब सपने का मतलब क्या है, वो इन सपनों को क्यों देखते हैं, यही सब कारण जानने के लिए पॉल यहाँ पे एक जर्नी पे जाएंगे। और ये जर्नी पे जाने के एक कारण भी है, उनके फैमिली को वो प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ही बहुत कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि फैमिली में ही बहुत कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो फैमिली में एक भेदभाव क्रिएट करना चाहेंगे, फैमिली को ख़त्म करना चाहेंगे। तो पॉलिटिक्स यहाँ पे होंगे, एक्शन भी होंगे, थोड़ा यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग भी दिखाया है। तो फिल्म का रन टाइम बहुत ही लंबा है, लगभग 2 hours 35 minutes इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस फिल्म पे जो मेन यहाँ पे चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम कैरेक्टर डेवलपमेंट इज द ग्रेट CGI VFX व्हाट अपार्ट फ्रॉम सम डैम गुड सिनेमाटोग्राफी। इस फिल्म पे कैरेक्टर डेवलपमेंट के अलावा जो एक और चीज़ फोकस किया है वो है लार्जर देन स्केल विजुअल एक्सपीरियंस। यहाँ पे कुछ कॉस्ट्यूम ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि आप लोगों को देखने के बाद वो स्टार वॉर्स के जो कॉस्ट्यूम थे वो आप लोगों को याद आएंगे। लेकिन फिल्म का जो ओवरऑल ट्रीटमेंट था वो बहुत ही बढ़िया था। एक स्लो स्क्रीन प्ले आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टोरी बहुत ही अच्छे थे। धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे बिल्डअप होंगे, क्या हो रहा है, क्या होने वाले हैं। यहाँ पे दो तरह के लोगों को देखने को मिलेंगे, जो एक है जो दूसरे लोगों को कब्जा करना चाहते हैं। तो यही सब कुछ चीज़ें इस फिल्म पे दिखाया हुआ है। तो फिल्म का जो विजुअल ट्रीटमेंट था वो बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है। जिस तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ सीन पे दिया था वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था सुनने में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ एक्शन कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। ये एक स्काईफाई जॉनर मूवी है, लेकिन मुझे लगता है अब तक जितना भी मैंने स्काईफाई जॉनर मूवी देखा, दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एक्सपीरियंस टिल नाउ। अगर आप लोग स्लो ट्रीटमेंट फिल्म पसंद करते हो जहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर होंगे, आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगे, तो शायद ड्यून इज मस्ट वॉच फॉर यू पीपल। ये एक मल्टी स्टार कास्ट मूवी है, बहुत नोन फेसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और सबका कैरेक्टर बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ से मैं थोड़ा निराश हूँ, यहाँ पे ज़ेंडाया का जो कैरेक्टर था वो उतना भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया हुआ नहीं है। सिर्फ लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि ज़ेंडाया का कैरेक्टर क्या है, वो कहाँ से आई है, लेकिन उतना भी यहाँ पे पार्ट वन पे एक्सप्लोर नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद पार्ट टू पे ऑब्वियसली ज़ेंडाया का कैरेक्टर को ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एंडिंग हुआ है मुझे लगता है कि ज़ेंडाया का पार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है पार्ट टू पे। लेकिन सबको ये फिल्म शायद पसंद ना भी आ सके, क्योंकि फिल्म का स्क्रीन प्ले एज मैंने कहा बहुत ही स्लो ट्रीटमेंट है, बहुत ही लेंदी फिल्म का रन टाइम है। तो अगर आप लोग ये सोच के जाओगे कि स्काईफाई एक्शन फिल्म मतलब यहाँ पर बहुत सारे एक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो यू माइट बी डिसअपॉइंटेड विद दिस मूवी। एक्शंस है यहाँ पे, लेकिन वो बिल्डअप किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। यहाँ पे आपको हाई फाई या ओवर द टॉप एक्शंस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जितना भी था आप लोग श्योर शॉट एंजॉय करोगे। और डायरेक्शन वाज परफेक्ट, ईच एंड एवरी फ्रेम बहुत अच्छे से कैप्चर किया हुआ है, और सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया था फिल्म पे। स्पेशली जो विजुअल एक्सपीरियंस था, जिस तरीके से पूरा फिल्म का लुक एंड फील और CGI यूज़ किया हुआ है, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। आप लोग पूरा फिल्म को एंजॉय करोगे। और ट्रेलर देखने के बाद सच में जो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हुआ था, मेरे हिसाब से आई कम्प्लीटली एंजॉयड इट। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि स्क्रीन प्ले स्लो होने के बावजूद भी आप लोग अगर ठीक तरीके से देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। एक एक कैरेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फिल्म पे। तो अगर ड्यून आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। और अगर आप लोगों ने अब तक देख लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बिल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।